अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अल्ताफ हुसैन का एनआरओ के मामले पर ओपोजिशन को मुनाजरे का चैलेंज, कहते हैं मौकिफ दुरुस्त साबित ना किया तो सियासत छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। राजा परवेज अशरफ का 9-0 आमद पर शानदार इस्तकबाल। मुस्लिम लीग काफ के वुज़रा की तकरीब हलफबरदारी आज होगी। वजारतों की तकसीम पर खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा मरकजी क़यादत से नाराज। कोयटा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जलसा, महमूद अचकज़ई ने कहा है कि मुल्की हालात से मुतालिक उनकी बातों को संजीदगी से लिया जाए। दीर में अफगान शिद्दत पसंदों के हमले पर पाकिस्तान का नेटो और अफगान फौज से एहतजाज, अफगान नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। रायपुर में बेरोजगार नौजवान ने रुकन कौमी असेंबली नफीसा शाह की रिहायशगाह के बाहर खुद को चाकू से जख्मी कर लिया। गोल टेस्ट में पाकिस्तान को बल्लेबाजों की नाकिस कारकर्दगी ले डूबी, श्रीलंका ने 209 रन से शिकस्त दे दी। और बूढ़े अमरीकी मियां बीवी ने जहाज से छलांग लगाकर नौजवानों को हैरान कर दिया। दुनिया न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। अभी आप देखिए प्रोग्राम नुक्ताए नजर।